थोड़ी देर के लिए अपने आप को मुर्दा तसव्वुर करें, इमेजिन यू आर डेड। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर हम व्लॉग बनाते हैं, आपको खूबसूरत लोकेशंस दिखाते हैं, वहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि उन व्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसी बात की जाए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, आप कुछ सबक हासिल करें। तो लोकेशन भी आपको दिखाते हैं और मैसेज वाली बात भी करते हैं, आप अपने आप को डेड तसव्वुर करें, फिर बात करते हैं अगली। आप मर चुके हैं, आपके लवाइकिन जो हैं आपको दफनाकर वापस घर में आते हैं। घर में अब सिलसिला शुरू होता है कि खाने पीने का बंदोबस्त करना। जो मेहमान आए हुए हैं, जो आपके जनाजे पे आए थे, अब आपके लवाइकिन को उनकी टेंशन है कि उनको कैसे खिलाया जाएगा, बर्तन कहाँ पे हैं, ये अरेंजमेंट में लगेंगे। आपको फोत हुए एक हफ्ता गुजरता है, आपके बच्चे दोबारा से स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, आपके बच्चे हुए या पोते हुए दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। दो हफ्ते गुजरते हैं, आपकी कब्र पे पहले रोज़ाना की बुनियाद पे जाया जाता था, अब दूसरे या तीसरे दिन जाया जाता है। तीन हफ्ते गुजरते हैं, अब आपकी कब्र पे तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद या कभी दूसरे दिन बीच में वक्फे करके जाया जाता है। दोबारा से जो है ना, घर में टीवी लगना शुरू हो जाता है, प्रोग्राम देखना शुरू हो जाते हैं। चार हफ्ते गुजरते हैं, अब आपकी कब्र पे एक बार जाया जाता है। फिर जब दो माह गुजरते हैं तो आपकी बीवी या शौहर दोबारा से हंसना या मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और जब चार माह गुजरते हैं तो फिर कभी कभी आपकी कब्र पे जाया जाता है। एक साल गुजर जाता है, फिर वो घर वाले याद करते हैं, आखिरी बार हम कब्र पर कब गए थे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ एक साल के अरसे में जो है ना, बिल्कुल मुकम्मल भूल जाते हैं, ज़हनों में से आस्ता आस्ता निकल जाते हैं। तो अपने लिए ज़िंदगी में रहते हुए आखिरत का जो सफ़र है उसकी तैयारी खुद करें, किसी पे जो है ना भरोसा ना करें, अपनी तैयारी खुद से करें। अपने अमाल अच्छे करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें, नेक काम करें, खिदमत खलक करें, पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल रखें, जो कि आपको आखिरत में जाकर काम आएंगे। आप जितने भी तीस मार खान हों, एक साल के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर जहनों में से डिलीट कर दिया जाएगा। लोग अपनी रूटीन में आ जाएंगे, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके घर वाले जो भी हैं वो रूटीन में आ जाएंगे। आपके काम आएगा जो आपने अच्छे अमाल किए होंगे। तो ज़िंदगी में रहते हुए अच्छे काम करें। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AM WTV व्लॉग्स।